ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा अच्छे से समझना है, ठीक है? पूरा वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है अपनों को, है ना? इसको सोल्व करते हैं फिर अपन, है ना? देखो, यदि बिंदुओं, एक तो बिंदु ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, बिंदुओं 3, A और 4, 1 के बीच की दूरी √10 हो तो A का मान होगा। अब A का मान बताना अपनों को। पहला ऑप्शन है 3, -1, दूसरा ऑप्शन है 2, -2, ऑप्शन नंबर सी है 4, -2 और ऑप्शन नंबर डी अपना 5, -3। अब देखो इसको समझो थोड़ा, ये बिंदु दे रखे, एक तो ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है अपन को √10। तो अपन यहाँ क्या यूज़ करेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यूज करेंगे ना। तो दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका सूत्र होता है अपने पास √, या लिख देता हूँ मैं 2, ठीक है? आंसर कर रहा है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। इसको ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो होता है √(x2 − x1) का होल स्क्वायर प्लस √(y2 − y1) का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अपन को 3, 1 दे रखा ना है ए, ये तो हो जाएगा अपना, देखो कोमे की जो आगे का मान होता है वो x1 का मान होता है, ठीक है? और कोमे के बाद वाला जो मान होता है y का होता है, तो इसको अपनों ने मान लिया x1 y1। दूसरा बिंदु अपना 4, 1, तो कोमे से आगे वाला मान x का, तो इसको मान लेंगे x2, कोमे के बाद वाला मान होता है y का, तो इसको y2 मान लेंगे। अब ये मान यहाँ सूत्र में रख दो, तो देखो रख रहे हैं इन मानों को यहाँ पे सूत्र में। तो देखो x2 का मान कितना है, x2 का मान है अपना यहाँ पे 4, तो देखो x2 की जगह रख दिया मैंने 4, ये माइनस का चिन्ह, तो ये माइनस, x1 का मान है 3, तो ये 3, और इसकी घात कितनी है 2, तो ये 2, ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। y2 का मान कितना है 1, और माइनस y1 का मान है a, तो ये a इसकी घात 2, ठीक है? अब ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपनों ने निकाल ली। अब ये बराबर किसके हैं, √10 के, तो इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ये, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। जैसे ये चार में से 3 कटाए तो कितना बचेगा 1, और 1 का घात 2 प्लस ए माइनस 1 - a और इसकी घात 2। अब ये जो दूरी है किसके बराबर है, ये √10 के, तो √ लगा दिया इधर 10। अब देखो ये √ से √ कट जाएगा, ठीक है? तो देखो क्या बचेगा वो समझते हैं, यहाँ बचेगा 1 की घात, मतलब 1 की घात 2 प्लस 1 - a इसकी घात 2 = 10। देखो 1 की घात 2 का मतलब होता है, जैसे यहाँ समझ लो 1 की घात 2, इसका मतलब होता है 1 × 1, 1 को कितनी बार गुणा करना, 2 बार, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ 1, ठीक है, प्लस 1 - a इसकी घात 2 = 10। अब देखो ये 1 प्लस का, इसको इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ देखो 1 - a और इसकी घात 2 = 10 - 1, ठीक है? अब देखो यहाँ यहाँ 1 - a इसकी घात 2, ये ऐसा कैसे लिख दिया, बराबर का चिन्ह, 10 में से 1 कटाए थे तो अब चल। अब देखो ये स्क्वायर है, घात 2 है, इसको मैं इधर बराबर के इधर भेजूँगा तो किस में बदल जाएगी, √ में, तो 1 - 1 = √9। जब ये घात इधर आएगी ना तो यहाँ पे 2 चिन्ह आते, एक तो प्लस का, एक माइनस का, ठीक है? तो देखो 1 - a = प्लस माइनस √3 का जो सॉरी √9 का जो मान होता है वो कितना होता है, 3 होता है। √9 का मान कितना होता है, 3। कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये √9 है, इसको अपन लिख सकते हैं √3 × 3। जब √ के अंदर, अब देखो ये है, अब थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, 3 × 3 है, तो इसको लिख सकता हूँ √3 की घात 2। अब घात 2 से ये √ कट जाता है, तो बचा क्या, 3, ठीक है? तो यहाँ 3 आ जाएगा। अब एक बार प्लस का चिन्ह, एक बार माइनस का चिन्ह ले लेंगे ना,
यहाँ से दो कंडीशन बनती है, वो देखते हैं पर। तो देखो, एक बार प्लस का चिन्ह लेता हूँ ना, और एक बार माइनस का, है ना। तो देखना, तो देखो, एक माइनस ए बराबर, एक बार प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ तो प्लस के 3। तो देखो, ये ए को इधर भेज दूंगा तो प्लस का हो जाएगा। देखो, ये ए है, माइनस का है, इसको बराबर के इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये 3 प्लस का है तो इसको इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एक, ये 3 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। बराबर, ये ए इधर आया तो प्लस का। एक में से 3 कटाएंगे तो 2 बचेंगे, मतलब तो माइनस के 2 बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि एक में से 3 कटाए तो 2 बचे। अब एक और 3 में बड़ी संख्या कौन सी है, 3, और 3 क्या है, किसका चिन्ह है, माइनस का। तो ये माइनस के 2 बराबर ए। तो एक का मान, एक तो कितना है अपना, माइनस 2। एक का जो मान आया, एक तो माइनस 2 आ गया। अब देखो, यहाँ पे एक बार प्लस लिया था, अब एक बार माइनस। तो देखो, एक माइनस ए बराबर माइनस के 3, ठीक है। अब देखो आगे समझ में, इस ए को मैंने इधर भेजा तो प्लस का, 3 माइनस 3 को इधर भेजा तो किसका, प्लस का। तो एक प्लस 3 बराबर ए, 3 में एक जोड़ा तो 4। तो एक, एक का मान कितना आ गया, 4 आ गया। एक का मान कितना आ गया, -2। तो ऑप्शन में देखो, एक का मान एक तो आ रहा है अपना 4, -2, या तो ऐसा लिखा होगा या फिर -2, 4। अब देखो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, देखो सी, 4, -2, ठीक है। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।